हेलो फ्रेंड्स, अर्थज्ञान हिंदी चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की सीरीज में आज का 7वां वीडियो है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट दी है, उसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अहमद अली, बी सूरध्वज, सी निहाल चंद, डी भंवरलाल। तो इसका सही आंसर है ए अहमद अली। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? एक तरफ राजस्थान की रियासतें दी हैं और दूसरी तरफ इनके सिक्के दिए हैं। क्या जयपुर में मोहम्मद शाही सिक्के, बूंदी में कटार शाही सिक्के, करौली में माणक शाही सिक्के और जैसलमेर में अखे शाही सिक्के चलाए गए थे? आपके ऑप्शन है ए एक दो और चार, बी दो तीन और चार, सी एक दो और तीन, डी एक दो तीन और चार। तो इसका सही आंसर है डी एक दो तीन और चार, यानी ये चारों जोड़े ही सही सुमिलित है। अगला सवाल है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस शासक ने की थी? आपके ऑप्शन है ए महाराजा शार्दुल सिंह, बी महाराजा जोरावर सिंह, सी महाराणा भोपाल सिंह, डी सवाई राम सिंह द्वितीय। तो इसका सही आंसर है डी सवाई राम सिंह द्वितीय। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है ए चित्तौड़गढ़ का किला, बी रणथंबोर का किला, सी जैसलमेर का किला, डी बीकानेर का किला। तो इसका सही आंसर है डी बीकानेर का किला। अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति को चौहानों का वंशज माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए सहरिया, बी मीणा, सी भील, डी गरासिया। तो इसका सही आंसर है डी गरासिया। अगला सवाल है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग में किस शासक ने पुतवाया था? आपके ऑप्शन है ए जगत सिंह द्वितीय, बी राम सिंह द्वितीय, सी जय सिंह द्वितीय, डी बदन सिंह। तो इसका सही आंसर है बी राम सिंह द्वितीय। अगला सवाल है, मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में वक्सी कौन होता था? आपके ऑप्शन है ए किलेदार, बी बाजार की जांच परख का अधिकारी, सी सैन्य विभाग का प्रमुख, डी घुड़सवारों का प्रमुख। तो इसका सही आंसर है सी सैन्य विभाग का प्रमुख। अगला सवाल है, गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता किस शासक ने की थी? आपके ऑप्शन है ए सुरजन सिंह हाडा, बी राणा उदय सिंह, सी कल्याणमल, डी भगवंत दास। तो इसका सही आंसर है सी कल्याणमल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए रणथंबोर का युद्ध 1301, बी कुंभलगढ़ का युद्ध 1578, सी चित्तौड़ का युद्ध 1303, डी खातौली का युद्ध 1519। तो इस सवाल में ऑप्शन ए बी और सी तीनों सही हैं, जबकि खातौली का युद्ध 1519 में नहीं बल्कि 1517 में हुआ था। अगला सवाल है, किस राजपूत शासक ने भीलों को अपनी सेना में उच्च पदों पर नियुक्त किया था? आपके ऑप्शन है ए राम मालदेव, बी सोनग्रा चौहान, सी महाराणा प्रताप, डी सुरजन सिंह हाडा। तो इसका सही आंसर है सी महाराणा प्रताप। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए महाराणा संग्राम सिंह, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी वत्सराज, डी महाराणा कुंभा। तो इसका सही आंसर है डी महाराणा कुंभा। अगला सवाल है, वीर तेजाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आपके ऑप्शन है ए ददरेवा, बी पीपासर, सी खड़नाल, डी आसिंद। तो इसका सही आंसर है सी खड़नाल। अगला सवाल है, जयपुर में स्थित हवा महल का मुख्य वास्तुकार कौन था? आपके ऑप्शन है ए भंवरलाल, बी विद्याधर भट्टाचार्य, सी उस्ताद लालचंद, डी अमीर चंद्र। तो इसका सही आंसर है सी उस्ताद लालचंद। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर है डी जोधपुर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शासक केसर सिंह बारट की चेतावनी रा चुंगटिया से प्रभावित होकर दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुआ था? आपके ऑप्शन है ए महाराणा गज सिंह, बी महाराणा फतेह सिंह, सी महाराणा जोरावर सिंह, डी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। तो इसका सही आंसर है बी महाराणा फतेह सिंह। अगला सवाल है,
महाराणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ व गुजरात के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शन ए नागौर का उत्तराधिकार विवाद, बी कुंभलगढ़ पर गुजरात का आक्रमण, सी कुंभा के विरुद्ध गुजरात द्वारा मालवा का सहयोग, डी नदी के पानी का विवाद। तो इसका सही आंसर है ए नागौर का उत्तराधिकार विवाद। अगला सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना कुंभा ने नहीं की थी? आपके ऑप्शन ए सूड प्रबंध, बी संगीतराज, सी संगीत काव्य, डी संगीत मीमांसा। तो इसका सही आंसर है सी संगीत काव्य। अगला सवाल है, राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में किसे पराजित किया था? आपके ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, बी महाराणा सांगा, सी महाराणा राज सिंह, डी महाराणा करण सिंह। तो इसका सही आंसर है बी महाराणा सांगा। अगला सवाल है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोषों में बंटा हुआ है? आपके ऑप्शन ए 3, बी 8, सी 10, डी 5। तो इसका सही आंसर है डी 5। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।